हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार, एम्प्लॉई ऑफ कोर लॉजिस्टिक। आज जिस बारे में हम बात करना चाहते हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम मटेरियल कैसे हैंडलिंग करते हैं। जब भी हम मटेरियल हैंडलिंग करते हैं तो उसके लिए हम गलत तरीका अपनाते हैं, जैसे कि जैसे मटेरियल के पास गए, मटेरियल जोर से एकदम से उठाया, इससे क्या है कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा इनकी जो थाई है इसके ऊपर जोर आएगा, और इसी मटेरियल को अनलोड करते टाइम मटेरियल वहां रखना। अरे जैसे मटेरियल अनलोड कर रहे हैं या उसे रख रहे हैं तो सेम वही तरीका अपना रहे हैं, एकदम से रख रहे हैं और बिल्कुल गलत तरीके से ये एकदम से खड़े हो जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये मटेरियल गलत तरीके से उठाया गया, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मटेरियल को कैसे हैंडल करना है। जैसे आप मटेरियल के पास जाते हो सबसे पहले देखना कि उस मटेरियल की कितनी कैपेसिटी है, मतलब कितना वेट है। ये वेट 10 किलो से कम है, मैं इसे आराम से उठा सकता हूँ। मटेरियल के बिल्कुल पास में जाऊँगा, सावधान स्थिति में बिल्कुल बैठूंगा, मटेरियल अपनी तरफ खींचूंगा और सीधा रेखे से स्टैंड हो जाऊंगा। इसी मटेरियल को लेके मैं जहाँ लोड करूंगा उस पॉइंट पे जाके बिल्कुल वैसी स्थिति में, सावधान स्थिति में खड़ा होके अनलोड करूंगा। सेम बॉय मटेरियल आगे धकेल के अपनी जगह स्थिर खड़ा हो जाऊंगा, इससे क्या जोर जो मेरे बाजुओं पे और मेरे घुटनों पे आएगा। जैसे कि आपने देखा ये मटेरियल एक सेफ तरीके से यहाँ पे रखा गया है। एक बंदा जो है आराम से अपने जितना उसका वजन है उससे एक चौथाई हिस्सा जो है आराम से उठा सकता है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो उसे दो बंदों का यूज लेना है। अगर वेट जो है 30 किलो से भी ज़्यादा होता है तो दो बंदे उसे अनलोड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें फोर्कलिफ्ट या कोई हैवी मटेरियल उठाने के लिए जो इक्विपमेंट प्रोवाइड है उसका यूज करना है।